अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। गुलनाज बेगम भी नाराज होकर बैठी है, माना मेरे किसी काम की नहीं रही, लेकिन मन तो फैला सकती थी। ऐसा लग रहा है कि अकेलापन मेरी जान ही ले लेगा। कैसे कटेंगे दो दिन, कैसे कटेंगे? बस ये दो दिन कट जाए और मेरा निकाह हैदर के साथ हो जाए और मैं हमेशा हमेशा के लिए हैदर की हो जाऊं। जब जिंदगी हैदर की बाहों में कटेगी तो किसी की कमी महसूस नहीं होगी। हैदर को अपने इतने करीब कर लूंगी, उसकी गर्म सांसों की हवा मेरी रूह को महकाने लगेगी। पगली कहेगी, हैदर के ख्यालों में खोई रहेगी तो उसे असल में पाने का इंतजाम कैसे करेगी? सोजा गजल रहमानी, कल तुझे हैदर के साथ मंगनी करनी है और दुआ की होश उड़ानी। देखिए अम्मी, हल्दी कितनी अच्छी फूली है। वाकई ना ज्यादा गाढ़ी है ना ज्यादा पतली, बहुत अच्छी है। दुआ भाभी जिस काम को भी हाथ लगा दे वो काम परफेक्ट बन जाता है। आपको पता है बड़ी अम्मी, मैं और कायनात तो देखते रह गए और दुआ भाभी ने हल्दी सेरेमनी के लिए गार्डन रेडी भी कर दिया। भाभी आपका सच में जवाब नहीं। वाकई आखिर बहू किसकी है? खुदा ने मुझे मेरी नेकियों का सिला दिया है, जो बहू की सूरत में दुआ मिली है मुझे। भाभी क्या हो गया, बड़ी अम्मी आपकी तारीफ कर रही है। शुक्रिया अम्मी। शुक्रिया कैसा बेटा, तारीफों पे हक बनता है तुम्हारा। खुश रहो मेरी जान। नूर जल्दी से जाकर देखो गजल तैयार हुई कि नहीं। हाँ देखती हूँ। तब तक मैं दूल्हे मियाँ की खबर लेती हूँ, पता चले अब तक खर्राटे मार रहा है। दुआ तब तक तुम बाकी की तैयारी देख लेना, कायना मदद करो बेटा। चल बहुत प्यारी लग रही हो। भाभी आपने कुछ सोचा, कहीं उस गजल ने सच में भाईजान से मंगनी कर ली तो? ऐसी बात की तो फिक्र मुझे भी हो रही है कायनात, कुछ समझ नहीं आ रहा उसका प्लान क्या, और सुबह से कहीं दिखाई भी नहीं दी है। कैसे दिखेगी भाभी, सुबह से कमरे में बंद है, कमरे से बाहर एक कदम भी नहीं रखा उसने। जरूर अपनी साजिशों का ताना बाना बुन रही होगी। मुझे हैदर पे पूरा भरोसा है, वो गजल की तरफ मुड़ के भी नहीं देखेंगे। मंगनी तो दूर की बात है, पर मुझे गजल पे जरा भी यकीन नहीं है। पता नहीं कोई धोखेबाजी से ड्रामा रच के उसे मंगनी का नाम ना दे दे। मैं हैदर को ना एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी, और तुम दोनों गजल पे नजर रखना, कहीं वो किसी घर वाले को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक भाभी, हमें चलना चाहिए। चलो क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, चलो। मैं भी नहीं चाहती कि तुम हैदर को अपनी नजरों के सामने से हटने दो दुआ। मैं तुम्हारी आंखों के सामने हैदर के साथ मंगनी करना चाहती हूँ। सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने होगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। दुआ के होते हुए हमारे खानदान पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। नेमत है हमारे घर के लिए हमारी दुआ। घर?
घर वालों की नजर में बहुत इज्जत है ना तुम्हारी दुआ, अब तुम्हें सबकी नजरों में गिराने का वक्त आ गया है। आज का दिन तुम कभी नहीं भूलोगी दुआ। दुआ की बर्बादी का इंतजाम तो हो गया, अब रूहान के दिल में जो शक का बीज बोया है उसे पानी देने का वक्त आ गया है। हैदर, हैदर अच्छा हुआ आप सब आ गए, वरना मैं किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो। तुम्हें पता है रोहन, जब हल्की हल्की दाढ़ी तुम्हें आने लगी थी तभी मुझे एहसास हो गया था कि मेरा भाई वाकई बड़ा हो गया। और देखो वक्त का कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक बार मुझे पता थी, जब हैदर डिजाइन की शुरुआत हुई थी ना, मेरा एक और सपना था, और वो सपना ये था कि जो मेरे भाई का निकाह होगा तो मैं उसे खुद तैयार करूंगा, हैदर डिजाइन की शेरवानी पहनूंगा। देखो कितना खुशनसीब हूं मैं, तो तैयारी तो पूरी तरह मुझे करनी है, बस डिजाइन चूज करो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।